कोरोना वायरस से संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आए हैं और अब तक कोरोना के भारत में मरीजों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है। उत्तर प्रदेश में 18 और कर्नाटक में 11 मामलों की पुष्टि हुई है। बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, लेकिन यहाँ अब तक एक भी कोरोना वायरस से संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना वायरस अभी बिहार नहीं पहुंचा है? कई लोग इस बात पर हैरानी जता रहे हैं। इस बारे में बीबीसी ने बिहार के डॉक्टर अरुण शाह से बातचीत की और उन्होंने बताया कि आश्चर्य इसलिए है क्योंकि यहां लोग उपेक्षा कर रहे हैं। आमजन में डर है, मगर सिस्टम लाचार और बदहाल है। केवल स्कूल और कॉलेज बंद करना, आयोजनों को रद्द करना ही एहतियात नहीं है, सबसे जरूरी है इस वायरस को डिटेक्ट करना। बिहार में डायग्नोसिस की ये प्रक्रिया हो ही नहीं पा रही है। डॉक्टर कहते हैं कि सबसे पहले तो बिहार में कोई लैब नहीं है जहां ये जांच हो सके। सारे जिलों से लिए गए जांच के सैंपल्स पटना में एक जगह एकत्र किए जाते हैं, फिर उन्हें कोलकाता जांच के लिए भेजा जाता है और वहां से रिपोर्ट आती है। ये एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में सवाल है कि सैंपल्स की क्वालिटी क्या वैसी ही रह पाती है जैसी रहनी चाहिए थी। मरीजों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि के लिए 5 तरह के सैंपल्स लिए जाते हैं, स्वाब, नेजल एस्पिरेट, ट्रेसल एस्पिरेट, स्पटम और ब्लड। इस बारे में डॉक्टर शाह कहते हैं कि इसमें कुछ सैंपल्स ऐसे हैं जिनका टेस्ट 6 घंटे के अंदर नहीं किया गया तो रिजल्ट्स की क्वालिटी में फर्क आ सकता है। बिहार में कोरोना की जांच की प्रक्रिया को नाकाम मानते हैं क्योंकि सैंपल्स को भेजने और रिपोर्ट मिलने में काफी समय लग जाता है। ऐसे में सैंपल्स की क्वालिटी में फर्क आएगा तो स्वाभाविक है कि रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। अगर डॉक्टर अरुण शाह की बात माने तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार कोरोना को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते कोरोना के सभी मामले नेगेटिव आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक जांच कराए गए सभी 70 संदिग्ध मरीजों के सैंपल्स नेगेटिव आए हैं। न्यूज़ डेस्क।